ई राशन कार्ड सेवा सबसे पहले शुरू की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड ई राशन कार्ड सर्विस इन फर्स्ट टाइम, पहली बार कहां पे स्टार्ट हुई है ई राशन कार्ड सेवा। अब राशन कार्ड आप सब जानते हैं, जिसमें बीपीएल है, उसके बाद आपका एपीएल है, और अभी सरकार ने कुछ समय पहले 2000 के आसपास अंत्योदय योजना की जो है वो शुरुआत की गई है, और इसका प्रमुख श्रेय जो है जो कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी, उनको जो है वो उस योजना का श्रेय दिया जाता है। जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर, आप सभी का आज की इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आपके एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस ईयर का हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट है, डेली आपको क्लास जो है वो विजयपथ एजुकेशन के द्वारा मिलती है। आज क्लास फिफ्थ को हम स्टार्ट करेंगे, डेली 10-10 क्वेश्चन की हमारी सीरीज जो है वो आप तक पहुंचाई जाती है। सो स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन क्लास को, और अभी तक अगर आपने हमारा फ्री मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, विजयपथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशन ऐप। प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए और इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। इसमें मल्टीपल आपके क्विज हैं, आपकी टेस्ट सीरीज हैं, ये अगर आप उनको जो पेड कंटेंट, अगर आप अपने लिए कोई अगर कोर्स देख रहे हैं तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो परचेज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी किस देश की सहायता से बना है। ध्यान रखना आपने, कुछ नई स्कीम्स, कुछ परियोजनाओं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन जो है वो सेंटर है एक, जो कि वाराणसी में स्थित है, ये किस देश की सहायता से भारत ने इसका निर्माण किया है। फ्रांस, रूस, जापान और इजराइल। इसका जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी है, जापान। भारत और जापान ने मिलकर एक साझेदारी की थी और उसी साझेदारी के तहत जो है वो रुद्राक्ष कन्वेंशन जो है सेंटर, जिसको वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम जानेंगे। ये जो सेंटर है वाराणसी में, जापान की सहायता से इसको बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है और आपके पेपर में भी यूनिक लेवल के क्वेश्चन ही अब पूछे जा रहे हैं। आपको पता होगा जब आप मॉक देखेंगे तो स्टैटिक जीके अब थोड़ा कम आता है, यानी कि जो बेसिक जो पुराना जीके था, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वैसा अब कंटेंट पेपर्स में नहीं पूछा जा रहा। अब कुछ नई अपडेटेड चीजें हैं, लेटेस्ट चीजें हैं, वही आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है। ये सेंटर जो है वो एक सांस्कृतिक केंद्र और विभिन्न लोगों को एकजुट करने का माध्यम बनेगा। हमें ये भी पता होना चाहिए ये सेंटर काम क्या करता है, इस सेंटर का मेन फोकस क्या है, काम क्या करता है। तो इस सेंटर का काम है कि सांस्कृतिक और लोगों को क्या करता है, इकट्ठा करता है, उनको जोड़ता है, उनको कल्चर के साथ जो है वो रिलेट करवाता है। इसमें भारतीय वास्तु शैलियों का एक संगम भी दिखाई देता है। और इसकी जो नींव थी वो कब रखी थी, 2015 में जो है इसकी नींव रखी थी और इसका उद्घाटन जो है वो 2021 में किया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपने सुनी होगी कई बार, क्या होता है पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, जहां पे ज्यादा अनाज उगाया जाता है, ज्यादा फसल होती है, जैसे हिमाचल में सेब है, उसकी क्या की जाती है, बीमा किया जाता है, उसकी इंश्योरेंस की जाती है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से इंप्लीमेंट की गई थी, उसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है 2019 से 2017 2016 2018 से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2016 से। 2014 में मोदी सरकार आई थी और 2 साल के बाद ही इन्होंने फसल बीमा योजना जो है पूरे भारत में लागू कर दी थी। नेक्स्ट, इसमें बताया गया है कि इस योजना के तहत किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने के लिए सहायता मिलेगी।
यानी कि उनको एक तरीके से उनको इंश्योर किया जाएगा कि अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो गवर्नमेंट के द्वारा उनको जो है वो पैसा दिया जाएगा। जिस तरीके से लोन का प्रोसेस होता है वैसे ही ये जो है वो फसल को बीमा करवाने का काम किया जाता है। इस योजना का जो मुख्य प्रशासन है यानी कि किसके अंडर ये दी गई है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री का सेक्टर है, उसके तहत जो है ये योजना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने COVID-19 को कब महामारी घोषित किया था। देखिए पिछली क्लास में भी हमने COVID-19 से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे और ये जितने भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये सारे आपके प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर विजिट नहीं किया तो एक बार आप वहां पे विजिट कीजिए, अपने मॉक लगाइए, आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो अब आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 11 मार्च 2020, उसके बाद है 13 जनवरी 2020, 22 फरवरी 2020 और 21 जनवरी 2020। यहां पे पूछा गया कि COVID-19 को महामारी कब घोषित किया था, किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि WHO। जो भी पूरे विश्व में हेल्थ रिलेटेड जो स्कीम्स हैं या हेल्थ का जो डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, उसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई बीमारी आती पूरे विश्व को जिससे खतरा होता है, जैसे कि COVID-19 आया था 2019-20 में, तो उसमें WHO ने डिक्लेयर किया था कि COVID-19 क्या है, एक महामारी है, एक पेंडेमिक। तो उसके लिए आपको बताना है कि कब उसको घोषित किया गया था। ये किया गया था 11 मार्च 2020 को। डेट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि 2020 के सारे ही ऑप्शन है लेकिन डेट में डिफरेंस है, कोई मार्च का है, कोई जनवरी, कोई फरवरी और फिर से 21 जनवरी। तो आपको याद रखना है 11 मार्च 2020 को जो है वो WHO ने COVID-19 को एक महामारी के रूप में घोषित किया था, यानी कि एज अ पेंडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहां पर बनाया जा रहा है। भारत में पहला फर्स्ट रबर बेस टायर मेट्रो ये कहां पे बिल्ड किया जा रहा है भारत में। तो पहला ऑप्शन है अहमदनगर, नेक्स्ट है सूरत, नेक्स्ट बड़ोदरा और लास्ट है नासिक। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। भारत का पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहां पे बनने जा रहा है, इसका राइट आंसर रहेगा नासिक में। नासिक में जो है ये बनने जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, यहां पे ये बनाया जा रहा है। रबर टायर आधारित मेट्रो प्रौद्योगिकी का सबसे पहला पेरिस मेट्रो में किया गया। इसका जो प्रयोग है यानी कि इसका जो ट्रायल है वो कहां पे किया गया है? पेरिस मेट्रो में। ध्यान रखेंगे वर्ल्ड लेवल का ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। पहली संपूर्ण रूप से रबर टायर आधारित मेट्रो कनाडा में चलाई गई थी और टायर आधारित मेट्रो परिचालन को नियो मेट्रो नाम दिया गया था, यानी कि जो उसका ट्रायल था वो पेरिस में हुआ था और रबर टायर आधारित मेट्रो जो है वो कनाडा में चलाई गई थी। उसके बाद संपूर्ण तरीके से, पूरी तरह से, जब उसको प्रॉपर ढंग से बना दिया गया था पहली बार, जब उसको उस ट्रैक के ऊपर उतारा गया तो कनाडा में, और ट्रायल जो था वो उसका पेरिस में हुआ और इसका नाम क्या रखा गया था? नियो मेट्रो रखा गया था, क्योंकि रेलवे में मेट्रो है तो उससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सबसे पहले शुरू की है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टार्टेड ई राशन कार्ड सर्विस इन फर्स्ट टाइम, पहली बार कहां पे स्टार्ट हुई है ई राशन कार्ड सेवा। अब राशन कार्ड आप सब जानते हैं जिसमें BPL है, उसके बाद आपका APL है, और अभी सरकार ने कुछ समय पहले 2000 के आसपास अंत्योदय योजना की जो है वो शुरुआत की गई है, और इसका प्रमुख श्रेय जो है, जो कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री थे शांता कुमार जी, उनको जो है वो उस योजना का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने जो है वो फ्री अनाज की योजना जो थी वो स्टार्ट की थी। और अभी कुछ समय पहले 1-2 साल से जो है वो मोदी सरकार भी
योजना में जो है वो भागीदार बनी है और फ्री का अनाज जो है वो लोगों को देती आई है। तो कहां पे ई राशन कार्ड योजना स्टार्ट की गई थी? गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी या फिर दिल्ली? तो इन चार में से आपका आंसर रहेगा राइट आंसर दिल्ली। दिल्ली में जो आपकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उन्होंने ई राशन कार्ड प्रणाली को जो है वो स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सबसे पहले शुरुआत 27 मार्च 2015 को की गई थी। ये एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से राज्य के किसी भी निवासी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करके राशन कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। अब होता क्या है, अगर हमें राशन कार्ड बनाना है, हमें पंचायत घर जाना पड़ता है, पटवारी के पास जाना पड़ता है, बीडीओ ऑफिस में जाना पड़ता है, ब्लॉक में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ई राशन कार्ड कर दे यानी कि घर बैठे ही आप अपना राशन कार्ड जो है वो मंगवा सकते हैं, यानी कि डिजिटल पोर्टल दिल्ली सरकार ने जो है वो लोगों को दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? ध्यान रखना है, मल्टीपल क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से, कि कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए, कितने शहर चुने गए हैं? 12 शहर चुने गए हैं, उसका नाम रखा गया है हृदय, हृदय HRIDAY, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हेरिटेज सिटी को एडॉप्ट किया गया है, हेरिटेज सिटी को एडॉप्ट किया गया है। उसमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो इन 12 शहरों में काउंट नहीं की जाती है? आगरा, गया, पुरी या फिर बारगल? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आगरा। आगरा शहर को उन 12 स्थानों में काउंट नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में गया, पुरी और बारगल शहर को विरासत शहरों के लिए हृदय में काउंट किया गया। हृदय क्या है? एक परियोजना है। किस चीज की परियोजना, वो भी आप देख सकते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि संपूर्ण विकास के लिए, जिसमें उसमें जो है वो हेरिटेज सिटी को जो है वो काउंट किया गया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है? हृदय। तो हृदय जब जीके में आएगा तो ध्यान रखना है ये एक योजना है, और साइंस में आएगा तो फिर हमारा हार्ट है यानी कि दिल है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसके तहत जो 12 शहर हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके वाराणसी, मथुरा, पुरी, अजमेर, अमृतसर, अमरावती, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, बेलकंत्री और बारगल। तो ये जो है वो हमारे क्या हैं? 12 शहर हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के पश्चात किसके नाम से जाने जाती हैं? यानी कि जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिक्स होती हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा है हुगली, तीसरा है पद्मा और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे मेघना। तो आपको बताना है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम का नाम क्या है? इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा पद्मा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को हम पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। ये स्टैटिक जीके का ही आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में संगम के पश्चात पद्मा के नाम से जानी जाती है। गंगा जो है वो सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 25-25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर ताजे जल का कितना प्रतिशत है? यानी कि अगर पानी, आपको पता है हमारी अर्थ जो है उसको नीला ग्रह बोलते हैं क्योंकि उसमें पानी है, ठीक है, और पानी जब पृथ्वी पर है तो उसमें ताजा पानी कितना है उसकी परसेंटेज आपको बतानी। मैथ में आपको पता है परसेंटेज चलती है 100 से, तो 100 में से कितना परसेंट जो है वो कौन सा पानी है? ताजा पानी है, फ्रेश वाटर है, यानी कि पीने वाला पानी है, पीने लायक पानी है। ऑप्शन है 1.2, 5.2, 2.7, 3.2। इसका राइट आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2.7%। 2.7% पानी जो है वो फ्रेश वाटर है। जैसे फ्रेश वाटर की लेक भी आपको कराई थी, बूलर लेक, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और भी काफी ज्यादा लेक्स हैं जो कि पीने वाली हैं, पानी पीने के लिए जिनका यूज किया जाता है,
तो पूरी धरती के ऊपर सिर्फ 2.7% ही पानी है, यानी कि पीने की परसेंटेज जो है, पानी पीने की परसेंटेज काफी ज्यादा कम है। इसलिए पानी को हमेशा जो है वो प्रॉपर वे में यूज करें, उसका कभी भी जो है वो दुरुपयोग ना करें, पानी को हमेशा बचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन एंड तुम्बा। आपने सुना होगा बीन, जैसे सपेरे के पास क्या होती है, बीन होती है सांप को नचाने के लिए, वैसा ही क्वेश्चन है। और तुम्बा, ये जो वाद्य यंत्र हैं, ये किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं। अभी जैसे हिमाचल के जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं उसमें कई बार लोग जो है वो घर घर में चलते हैं, जैसे लोहड़ी पे चलते हैं, ढोलक लेके चलते हैं, या फिर अभी सैर मनाई गई तो वहां पे लोग जो है वो गाते बजाते चलते हैं, तो उन्होंने एक तुम्बा लिया होता है, ठीक है, यानी कि एक मटका टाइप होता है, उसमें एक वायर लगी होती है, जैसे उसको हिलाते हैं तो वहां से आवाज निकलती है, ठीक है। तो वो जो तुम्बा है या फिर बीन है, उसमें किस चीज का यूज किया जाता है, किस चीज की बनी होती है। पहला है लौकी, दूसरा है कद्दू, तीसरा है कटहल, और लास्ट है हाथी चक। तो आपको बताना है किस चीज को सुखा के जो है वो उनका निर्माण किया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा लौकी। लौकी, तो लौकी को जब सुखा दिया जाता है उसमें से अंदर से सारा मटेरियल बाहर निकाल लेते हैं, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, फिर यहाँ पे वो जो वायर्स हैं उसको कनेक्शन दिया जाता है, जब उसको हिलाते हैं तो वहां से क्या निकलती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उससे बनाया जाता है। ध्यान रखना कौन से इंस्ट्रूमेंट, बीन और तुम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीन और तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं और इनका उपयोग कोलंबियो की पार्टी में किया जाता है। इसलिए बताया गया, जो सपेरे होते हैं नाग को नचाने के लिए, सांपों का जो मतलब उनको पकड़ते हैं, तो उनके पास जो बीन होती है उसमें यही चीज यूज की जाती है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RRB ग्रुप डी। ग्रुप डी में लगातार 2018 में दो पेपरों में पूछा गया, और उसके साथ साथ 2022 में भी दो पेपरों में पूछा गया। तो RRB का ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है, और आपके NTPC और SSC GD में भी ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। क्वेश्चन है, किस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं, जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। यानी कि आपसे ये नहीं पूछा कि उनका राज्य क्या है, आपको इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन है कि जहां से वो बिलोंग करते हैं, हो सकता है हिमाचल से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो आपको बताना है कि वहां का मुख्य भोजन क्या है, वहां के लोग क्या खाना पसंद करते हैं। जैसे कि है इडली, चटनी, चावल और सांभर। तो इडली जो है आपको पता है साउथ में खाई जाती है, ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ये निवासी कहाँ के, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीरज चोपड़ा जो है वो हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं, और इन्होंने 2021 में गोल्ड मेडल भी जीता था, काफी न्यूज में रहे थे। तो देखिए, इडली जो है वो हरियाणा में नहीं खाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। उसके बाद सांभर बांस की सब्जी है, मछली कड़ी है, तो ये भी साउथ के एरिया में खाई जाती है। ये जो मछली वाली चीजें ये साउथ के एरिया में ज्यादा होती हैं, और हरियाणा में रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा जैसे है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो कुछ घुमा के क्वेश्चन जो है वो आपके पास दिया गया है, ये हरियाणा राज्य के रहने वाले थे और हरियाणा राज्य के लोगों का यही मुख्य भोजन है। नीरज चोपड़ा से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये एक भारतीय एथलीट है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होने थे लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 2021 में हुए, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था और एक हिस्ट्री बनाई थी। कितने मीटर इन्होंने भाला फेंका था, 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था, और उसी में इनको मेडल, गोल्ड मेडल जो है वो टोक्यो ओलंपिक में मिला था। तो ये आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हमने 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। आई होप आपको आज की क्लास ये अच्छी लगी, साथ साथ में आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट के साथ में आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
Thank you.